हेलो एंड वेरी गुड आफ्टरनून ऑल माय डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन दिस इज रंजन आ गया हूं मैं आप सभी के साथ बेसिक इलेक्ट्रिकल के नेक्स्ट सेशन में आज क्या पढ़ने वाले हैं आज क्या देखने वाले हैं जल्दी से आप लोगों से डिस्कस कर लूं लेकिन पहले देख लूं कि कौन कौन मेरे प्यारे स्टूडेंट्स आ चुके हैं जय वेरी गुड आफ्टरनून संदीप हेलो मित्रों संदीप हेलो मित्रों भाई नीतीश ने बुलाया राम राम तो भाई नीतीश आप को और सभी स्टूडेंट्स को राम राम भाई सोम में सर वेटिंग बस सर आ गए अब लेक्चर आज शुरू कर देंगे विकास गुड गुड आफ्टरनून आफ्टरनून जय मोहित गुड आफ्टरनून और चलो जल्दी से शुरू करते हैं अब आज का लेक्चर आई होप कि आप लोग वेट कर रहे थे इंटरेस्टिंग टॉपिक था कल ही मैंने आपको बताया था कि आज क्या पढ़ने वाले हम लोग वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इंडक्टर एंड कैपेसिटर अभी तक रेजिस्टेंस के बारे में अपन ने बहुत सारा कुछ पढ़ा हुआ है कुछ बेसिक्स देखा उससे जुड़े हुए क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं एसएससी वगैरह के एग्जाम्स में वो सारा कुछ स्टडी किया अब स्टार्ट कर रहे हैं दूसरा टॉपिक दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ इंडक्टर एंड कैपेसिटर बेसिकली हम लोग बात कर रहे हैं मॉड्यूल वन में बेसिक कंसेप्ट के अंदर तो इंट्रोडक्शन हम लोग करेंगे आज कैपेसिटर और इंडक्टर के बारे में कुछ पढ़ेंगे और ग्रेजुअली इसके बारे में जानेंगे कि इससे रिलेटेड क्या क्या तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं तो उसके लिए क्या बेसिक कंसेप्ट आपको जानना चाहिए यही सारा कुछ आज के सेशन में मैं डिस्कस करने आया हूं आप लोगों के साथ तो शुरू करते हैं आज का सेशन ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं तो सबसे फर्स्ट थिंग इंडक्टर और कैपेसिटर के बारे में थोड़ा बहुत चीज बेसिक आप जानते भी होंगे ठीक है थोड़ा सा डिटेल में हम लोग जाएंगे और आपने सुना होगा कि जो हम लोग जो सर्किट्स के बारे में जो बात करते हैं ना हमारे जो बेसिक के बारे में जब मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया था कि एट टू टेन मार्क्स का वेटेज है इस पूरे मॉड्यूल का ठीक है तो या एट टू टेन परसेंट का वेटेज ये होल्ड करता है तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताऊं कि आरएलसी को स्टडी करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है डीसी के रिस्पेक्ट में भी और एसी के रिस्पेक्ट में भी ठीक है सिलेबस में अलग अलग बाइफर्शन होता है कि आर का बिहेवियर डायरेक्ट करंट सप्लाई पे कैसा होता है और ऑल्टरनेटिंग करंट सप्लाई पे किस तरीके का होता है ठीक तो अब क्या करते हैं हम लोग कि शुरू करते हैं राइट फ्रॉम इंडक्टर पार्ट राइट फ्रॉम इंडक्टर पार्ट और देखते हैं कि इंडक्टर होता क्या है रजिस्टर के बारे में बेसिक सारी चीजें आप जान चुके हो मैंने जहां पे आपको बताया हुआ था कि रजिस्टर वॉज बेसिकली एन एलिमेंट और रजिस्टेंस उसकी प्रॉपर्टी होती थी थोड़ा सा रिवाइज कर लो रजिस्टेंस क्या करता था अपोजिशन ऑफर टू द फ्लो ऑफ चार्जेस ठीक है जिसके कारण कि वो कुछ पावर को लॉस करवा देता था कुछ पावर डिसिपेट होती थी रेजिस्टेंस के अंदर जो कि हीट के फॉर्म में भी आपको डिसिपेट होती हुई मिलती है ठीक है अब इस पॉइंट ऑफ व्यू से इंडक्टर और कैपेसिटर को भी स्टडी करेंगे और इनकी बेसिक टेंडेंसी को जानेंगे ठीक चलो शुरुआत करते हैं सबसे पहले फ्रॉम इंडक्टर तो सबसे पहले देखते हैं फ्रॉम इंडक्टर और ये होता क्या है इसके बारे में बेसिक कुछ चीजें जान लेते हैं इन जनरल इसका जो सिंबल होता है वो किस तरीके का होता है मैं आपको बता दूं और इसका देखो डेफिनेशन भी यहां पे लिखा हुआ है ठीक चल डेफिनेशन वगैरह तो पढ़ते रहेंगे हम लोग बेसिकली इसका सिंबल एक ऐसे इन जनरल अगर मैं आपको सिंबल इसका बना के दिखाऊं तो एक इंडक्टर जो है उसको आप कुछ ऐसा ड्रॉ करके बता सकते हो इलेक्ट्रिकल सर्किट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इंडक्टर को ऐसा शो कर सकते हो आप सभी स्टूडेंट्स के माइंड में यह भी आएगा आप सभी बच्चों के माइंड में यह चीज फिर आएगा कि सर ये वाला एक जो डिवाइस हम पढ़ते हैं ठीक है ये जो डिवाइस हमारा है इसके ऊपर भी अगर ऐसा कॉइल किया हुआ है तो फिर दिस इज ऑल्सो बिहेविंग लाइक अ इंडक्टर ठीक ये भी हो सकता है कि इंडक्टर की तरह अगर बिहेव कर रहा है वैसे आपको सबसे पहले यह भी जानना जरूरी है ना कि इंडक्टर होता क्या है वॉट इज बेसिकली इंडक्टर जैसे का पता था आपको कि अपोजिशन ऑफर हो रहा है फ्लो ऑफ करेंट को वैसे ही इंडक्टर जो है वैसे ही इंडक्टर जो है इंडक्टर तो बेसिकली ये इंडक्टेंस ऑफर कर रहा है अब आप सोचोगे सर इंडक्टेंस वर्ड कहां से आया ठीक है तो आप याद करो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़े हो आप लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये वर्ड से फैमिलियर ना इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन ठीक है ये क्या होता है किसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जब मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो सकता है किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे तो दैट कंडीशन कैन बी टर्म एज इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन इलेक्ट्रिक चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोड्यूस होने के कारण कुछ मैग्नेटिक फील्ड अगर क्रिएट हो जाती है तो ये फिनोमिना अपना क्या हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का हो गया ठीक है और इंडक्शन वर्ड यहीं से है इंड्यूस होना और ट्रांसफर होने में या फ्लो कराने में थोड़ा सा डिफरेंस होता है ठीक है कोई भी चीज अगर फिजिकली डायरेक्टली कनेक्टेड है तो आप उस पे से किसी क्वांटिटी को एक एंड से दूसरे एंड तक ट्रांसफर कर सकते हो लिंक्ड है अगर कोई चीज फिजिकली तो आप उसको ट्रांसफर कर सकते हो लेकिन कोई ऐसा तरीके का ट्रांसफर जिसमें फिजिकल लिंकेज ना हो उसको इंडक्शन बोला जा सकता है समझना ध्यान से क्या बोल रहा हूं मैं ठीक है जैसे अगर सपोज इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के बीच में मैंने एक कंडक्टर वायर को ऐसे कनेक्ट कर दिया ठीक है अगर ये मेरा पॉइंट ए है और ये मेरा पॉइंट बी है ठीक इस पर से मैं क्या करता हूं मैं चार्जेस को भेज सकता हूं तो इसको मैं बोलूंगा कि ट्रांसफर ऑफ चार्जेस ट्रांसफर ट्रांसफर आर ऑफ चार्जेस चार्जेस को मैं प्रॉपरली एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ट्रांसफर कर रहा हूं क्यों क्योंकि दोनों फिजिकली लिंक्ड हैं लेकिन अगर यही चीज यही एग्जांपल को मैं जरा सा चेंज कर दूं यहां पे मेरा पॉइंट ए होता और यहां पे मैं पॉइंट बी को रखता ठीक है और मुझे मैग्नेटिक फील्ड को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे भेजना है तो मुझे ऐसा कोई स्पेसिफिकली ऐसा कोई कंडक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मुझे पता है कि मैं एयर के थ्रू भी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस को भेज सकता हूं ठीक है अब वो परमिबिलिटी की बातें बाद में करेंगे क्योंकि हमको पता है कि परमिबिलिटी का क्या डिफरेंस आएगा जिससे कि ट्रांसफर कितना डिफिकल्ट होगा वो तो है लेकिन आपको यह भी पता है कि इलेक्ट्रिक चार्जेस के कंपेरिजन में मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डेफिनेटली एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक भेजी जा सकती है इवन विदाउट एनी फिजिकल लिंकेज बिटवीन क्लियर है यही से फिर निकल के आता है इंडक्टर का नाम जो इंडक्टर नाम पड़ा वो क्या चीज को सिग्निफाई करता है उसके लिए डेफिनेशन देखते हैं ठीक है सत्य हमने पूछा सर वट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडक्टर एंड कैपेसिटर डेफिनेटली जैसे जैसे हम आगे पढ़ते जाएंगे ना वैसे वैसे आप उसको कनेक्ट करते जाओगे आपको क्लियर समझ में आ जाएगा ठीक है तो पहले इंडक्टर को समझते हैं फिर कैपेसिटर को समझेंगे डिफरेंस का आंसर आप खुद बताओगे मुझे विकास ने बोला यस सर इंडक्टर की प्रॉपर्टी ना हाँ ठीक है इंडक्टर की प्रॉपर्टी अभी जैसे ही आप डेफिनेशन शुरू करेंगे तुरंत देखते जाएंगे और विकास की तरफ से आया हार्ट थैंक यू डियर और जय ने बोला यस yes, सर चलो ठीक है तो फिर अब आगे बढ़े प्रोसीड करते हैं क्योंकि बहुत सारा कुछ है आज के वीडियो से भी बहुत सारा नोट्स जमा होगा आपके पास फिर से ये नोट्स आपको पीडीएफ में मिलने वाला है ठीक है तो बहुत सारा कुछ नोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कंटेंट मैंने रखा हुआ है तो उसको साथ साथ ही स्टडी भी करते जाएंगे सो so दैट जब इसी सेम नोट से आप पढ़ोगे तो आपको याद करने में रिकॉल करने में ज्यादा दिक्कत नहीं जाएगी ठीक है इसीलिए मैं इसी नोट से ही आपको पढ़ाऊंगा लिखा हुआ एन इंडक्टर ऑल्सो कॉल्ड एस कॉयल चोक और रिएक्टर इज अ पैसिव टू टर्मिनल लीनियर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट दैट स्टोर्स एनर्जी बहुत सारा कुछ डेटा एक ही साथ है इंडक्टर पढ़ते हैं आराम से इंडक्टर ऑल्सो कॉल्ड एज अ अल सबसे पहला चीज इंडक्टर क्या हो सकता है किसी भी कॉयल के सेट को हम लोग इंडक्टर बोलते हैं किसी भी कॉयल को हम लोग इंडक्टर बोल सकते हैं बिल्कुल डेफिनेटली बोल सकते हो आप अगर यहां पे मैंने ऐसा कुछ ऐसा कॉयल लगा के रखा है यानी वायर को एक सर्टन अरेंजमेंट में अगर मैंने कनेक्ट करके रखा हुआ है तो दैट कैन बी टर्म एज इंडक्टर ट कैन बी टर्म एज इंडक्टर आपके माइंड में तुरंत क्वेश्चन आना चाहिए कि सर अगर इसी वायर को हम ऐसा सीधा रखते तो क्यों इसको इंडक्टर नहीं बोल सकते हैं क्यों इसको ट्विस्ट करने के बाद ही इंडक्टर बन जाता है ठीक है तो इसके पीछे एक बिल्कुल बेसिक सा रूल है अगर आपने पढ़ा होगा एम्पियसर्किटल लॉ एम्पियस सर्किटल लॉ तो इसी में आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी मिल जाएगा ठीक है इसी में आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा ठीक तो एम्पियर सर्किटल लॉ के हिसाब से भी जैसे आपको जब पता चलता है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरीके का होगा करंट जिस डायरेक्शन में जाएगी और उस अकॉर्डिंग अगर आपको बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करना है तो आपको करना यह है कि एक छोटे से प्लेस पे आपको उसी वायर के ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स बनाने पड़ेंगे तो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होने शुरू हो जाएगी यही फिनमिना का यूज करने के लिए हम लोग इसको इस वायर को इस अरेंजमेंट में कनेक्ट करते हैं ठीक है इस पर सिंपली अगर इसी वायर पे मैं करंट सप्लाई कर दूं तो जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो उतनी ज्यादा नहीं बनेगी अगर मैं इस वायर का अरेंजमेंट चेंज करके ऐसा कुछ कर देता हूं तो एक कम क्रॉस सेक्शन एरिया में ज्यादा नंबर ऑफ टर्न ज्यादा कंडक्टर वायर अगर आ जाता है तो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड डिसिपेट करना शुरू करेगा ठीक है तो यही बेसिक फिनोमिना होता है किसी भी इंडक्टर का हाँ सत्यम कंडक्टर तो बोल सकते हैं ना बिल्कुल बिल्कुल कंडक्टर ही तो है ना ठीक है लेकिन इसको इंडक्टर क्यों बोलते हैं क्योंकि ये कुछ इंड्यूस भी करना शुरू करता है पढ़ेंगे आगे देखते हैं लिखा हुआ है एन इंडक्टर ऑल्सो कॉल्ड एज अ अल पहला टर्म हो गया इसका ध्यान रखना न्यूमेरिकल बनाओगे तो कई जगह पे इसको से ही रिप्रेजेंट किया जाता है कई जगह पे लिखा होता है इफ अ इज कनेक्टेड ऑफ दिस मच हेनरी ठीक है तो आपको इससे पहचानना पड़ेगा तो आगे लिखा हुआ है कि इंडक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ अल चोक और रिएक्टर ये तीनों में से कुछ भी नाम लिखा हुआ हो सकता है ठीक इज अ पैसिव टू टर्मिनल लीनियर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट पहला चीज क्या लिखा है पैसिव पैसिव का मतलब क्या हो गया किस तरीके का एलिमेंट है ये एनर्जी कंज्यूम करने वाला एलिमेंट है अपनी खुद की एनर्जी सिस्टम को डिलीवर नहीं कर सकता है इससे पहले कौन सा पैसिव एलिमेंट आप लोग पढ़ चुके हो याद करो जल्दी से इससे पहले कौन सा पैसिव एलिमेंट पढ़ चुके हो आप लोग सर जूम कर दीजिए प्लीज सोम में बोल रहा है दिखाई नहीं दे रहा है ये ये क्लियरली विजिबल नहीं है क्या आप लोगों को ये क्लियरली विजिबल नहीं है क्या चलो ठीक है इसको जूम इन कर देंगे ठीक है अच्छा अभी फिलहाल तो इसमें जूम की फैसिलिटी नहीं है मैं आपको नोट्स तो भेज ही रहा हूँ ना इसके और मैं जो बोल रहा हूँ आप उस पर भी थोड़ा फोकस करो और जो अपन बोर्ड पे लिख रहे हैं उसको और ध्यान से आपको देखना नोट्स आपको मिल जाएंगे डेफिनेटली टेलीग्राम ग्रुप में आप सब जुड़े हो ना इसका एग्जैक्ट पूरा नोट्स आपको मैं भेज दूंगा ठीक है यही सारा कुछ जो बोर्ड पर आ रहा है ना ये आपके पास रहेगा तो कोई इशू नहीं है मत परेशान हो उसके लिए ठीक क्योंकि देखो क्या है ना कंटेंट थोड़ा ज्यादा है और मैं चाहता हूं कि आपको ये जब इसी नोट से ही मैं इसीलिए जानबूझ के पढ़ा रहा हूं कि आप जब पढ़ो तो आप रिलेट कर पाओगे ठीक है या आप उस नोट्स को पढ़ते हुए आपको कहीं डाउट आएगा तो तुरंत आप ये वाला वीडियो देख लोगे तो आप समझ जाओगे बोलने का मतलब आपको समझ में आ गया ना कि एनर्जी कंज्यूम करता है एनर्जी डिलीवर नहीं कर सकता सिस्टम को इस तरीके का एलिमेंट है ये नेक्स्ट थिंग टू टर्मिनल टू टर्मिनल वाला एलिमेंट है तो देख, देख सकते हो आप किसके दो टर्मिनल्स होते हैं ठीक लीनियर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट लीनियर कंपोनेंट किसको बोलते हैं कोई भी एलिमेंट जो इस लॉ को फॉलो करता है जिसकी वी प्रोपोर्शनल टू आई है दैट कैन बी एज अ लीनियर एलिमेंट ठीक है यानी उसकी वी आई कैरेक्टरिस्टिक जो है जब आप ट्रेस करते हो ऐसा कुछ तो ऐसे स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में दिखाई देगी सो दैट कैन बी टर्म एज लीनियर एलिमेंट सेम प्रोपोर्शन में इंक्रीज होगा उसका ग्राफ ठीक चलो दैट स्टोर्स एनर्जी अब ये नया कंसेप्ट जो यहां से आया है उसको देख लेते हैं दैट एनर्जी ये एक नया चीज है जो रेजिस्टेंस के अंदर नहीं था ठीक है इन अ मैग्नेटिक फील्ड वैन इलेक्ट्रिक करेंट फ्लो थ्रू इट इंडक्टर के बारे में क्लियर चीज बता दूं एक ऐसा कंपोनेंट जो इलेक्ट्रिक क्वांटिटी और मैग्नेटिक क्वांटिटी में एक साथ साइमल्टेनियसली डील करता है ठीक है इट इज दैट काइंड ऑफ मटेरियल तो जैसे रेजिस्टेंस के बारे में मैंने आपको बताया था कि प्योरली इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में डील करता है इंडक्टर के साथ सिस्टम थोड़ा अलग है इंडक्टर के अंदर आप सप्लाई इलेक्ट्रिक फॉर्म में देते हो अगर आप यहां से कोई करंट ट्रांसफर करते हो तो दैट इज इलेक्ट्रिक क्वांटिटी लेकिन इससे जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है इसके आसपास वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जो एनर्जी स्टोर कर रहा है ना तो वो बेसिकली उस मैग्नेटिक क्वांटिटी के फॉर्म में वो स्टोर कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर कर रहा है अपने अंदर ये ठीक है ये इसकी खासियत होती है इसको ध्यान देना आप लोग तो इंडक्टर कोई भी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को स्टोर नहीं कर रहा है अपने अंदर ये मैग्नेटिक क्वांटिटी को स्टोर करता है ठीक जिसको कि हम लोग बोलते हैं कि इंडक्टर क्या स्टोर करता है एनर्जी स्टोर करता है और इसकी इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं सोच के बताना है आपको ठीक हा हाउ डज एनर्जी स्टोर इन इंडक्टर कैलाश ने पूछा अच्छा क्वेश्चन है सत्यम फॉलो ओम्स लॉ हाँ तभी तो लीनियर कैरेक्टरिस्टिक लिखा है ना लीनियर कैरेक्टरिस्टिक लिखा हुआ है

वेरी गुड और किसी का आंसर आ रहा है क्या इंडक्टेंस को डिनोट किससे करते हैं और इसकी यूनिट पढ़ते हैं आगे ठीक ओम्स तो नहीं है सोमे आंसर दिया ओम्स ओम्स नहीं है नहीं 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 नहीं, नहीं. सो में एक्सेल जो आप बोल रहे हो ना एक्सेल इसको ध्यान रखना अभी मैं क्लियर करूंगा थोड़ी देर में इसको बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट रहता है ये एक्सेल नहीं है इंडक्टेंस ये कुछ और चीज है ये ना ये कुछ अलग चीज है इसको कुछ और बोलते हैं बताऊंगा अभी मैं आगे चल के ठीक है हां संदीप गुड विकास राइट एल हेनरी जय एल हेनरी बिल्कुल सही जय एल एंड हेनरी हां इंडक्टेंस को एल से डिनोट करते हैं यूनिट इसकी हेनरी होती है ठीक है सौम्य एल एंड हेनरी बिल्कुल 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 सही बिल्कुल सही ठीक है एक्सेल और एल का कंसेप्ट एकदम तुरंत आज के लेक्चर में क्लियर कर दूंगा चिंता की बात नहीं है बिल्कुल एसी जब आप पढ़ोगे ना तो आपका एकदम यहां से कंसेप्ट पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाना चाहिए तभी मजा आएगा एसी पढ़ने में ठीक है

एनर्जी इट स्टोर एनर्जी ठीक है जो मैग्नेटिक फॉर्म में स्टोर करता है और वो तब तक जब तक उसको सप्लाई दे रहे हो सप्लाई में जरा सा भी चेंज करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड बदल जाएगी और उसकी इंडक्टेंस भी बदल जाएगी इतने को ध्यान रखना ठीक है आगे बात करते हैं लिखा हुआ इंडक्टर टिपिकली कंसिस्ट ऑफ अ इंसुलेटेड वायर वाउंड थ्रू अ अल अराउंड अ कोर ऑफ आयरन और फेराइट मटेरियल इन जनरल है ना इंसुलेटेड वायर जिसको कि हम लोग वाइंड करते हैं किसके इंटू अल कॉल के फॉर्म में उसको वाइंड कर देते हैं और इसका कोर क्या हो सकता है इसका कोर आयरन या फेराइट से बना होता है और ये एकदम फिक्स नहीं है नॉर्मली आप एयर कोर का भी यूज करके यानी जब कोई भी बिना किसी कोर के भी आप इंडक्टर बना सकते हो आप सिंपल सा कॉल क्रिएट कर सकते हो ठीक है डिफरेंस होता है लेकिन सबकी इंडक्टेंस में फर्क पड़ जाएगा तो आपको अगर हाई इंडक्टेंस चाहिए हा मोहन का भी आंसर सही है हेनरी हेनरी ठीक है हैंरी? हैंरी, राइट है राइट है मोहन ठीक है चलो इसको पहले कंटिन्यू करते हैं कंप्लीट करते हैं वहां भी पहुंचेंगे हम लोग अभी फिर आगे लिखा हुआ है कि वेन द करेंट फ्लोइंग थ्रू एन इंडक्टर चेंजेस द टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भाई ये तो एकदम क्लियर कंसेप्ट है ना फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन देख लो आप ये ये सभी चीजों के ऊपर लागू होता है और आपको ये चीज पता है कि जब भी कोई करंट फ्लो होती है ठीक है वेन एवर अ करेंट फ्लोइंग थ्रू द इंडक्टर चेंजेस अगर करंट की मैग्नेट्यूड चेंज हो रही है टाइम वेरिंग है तो डेफिनेटली उससे ईएमएफ इंड्यूस होना ही होना है ठीक इन द कंडक्टर और वो ईएमएफ किसके प्रोपोर्शन होगा वो ईएमएफ किसके प्रोपोर्शन होगा द अमाउंट ऑफ फ्लक्स दैट इज बिंग जो फ्लक्स लिंक हो रही है कंडक्टर से उसके प्रोपोर्शनल भी होता है लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का बेसिकली दो फोल्ड होता है किसी लेक्चर में आराम से डिस्कस करेंगे जब एसी में आपको लेके जाऊंगा ना एसी चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे हम लोग वहां पर हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे ठीक है अदरवाइज अभी ये वाला लेक्चर जो इसमें कंप्लीट नहीं हो पाएगा ये ठीक है आराम से पढ़ना भी है और इसी पे फोकस करना है टॉपिक नहीं जाना है करेंट फ्लोइंगेरिंग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस एन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एफ इंड्यूस होता है ठीक है इन द कंडक्टर डिस्क्राइबेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और इसी के साथ अब वो जो उसका डायरेक्शन है उसके बारे में हमको पता चलता है अकॉर्डिंग टू द लेंस लॉ इंड्यूस्ड वोल्टेज है पोलैरिटी विच अपोज इज देंज इन करेंट अब जो इंड्यूस वोल्टेज है देखो क्या हुआ इनिशियली हम लोगों ने इनिशियली हम लोगों ने क्या किया करेंट फ्लो कराया अब अगर यह टाइम वेरिंग सप्लाई है टाइम वेयरिंग करंट है टाइम के साथ वेयरिंग है ठीक है टाइम वेरिंग जैसे सपोज में बोल दू कि आई इज इक्व टू आई इज इक्वस टू आई एम साइन ओमेगा टी ऐसा कोई करंट मैंने यहाँ से सेंड करवा दिया जो टाइम वेरिंग है तो इसके अक्रॉस कुछ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेज कुछ ऐसी डेवलप होनी शुरू हो जाएंगी ठीक है और ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेज जो हैं इसके इस कंडक्टर से लगातार कट होते के, होते रहने के कारण क्योंकि टाइम वेयरिंग है तो डेफिनेटली इस कंडक्टर से कट भी होना शुरू हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड जिससे कि हमारी ई एम एफ कुछ इंड्यूस होगी और इस ई एम एफ के कारण जो इंड्यूस्ड वोल्टेज जो है हमारा उसकी पोलैरिटी जो है ये अपोजिंग इन नेचर होगी ऑन द बेसिस ऑफ लेंस लॉ लेंस लॉ से हमको पता चलता है कि उसकी जो पोलैरिटी है वो अपोजिंग इन नेचर एक्ट करेगी उस अपनी कॉज के ठीक है अच्छा अब इससे क्या होता है तो इसका आफ्टर इफेक्ट क्या है भाई ये अपोज करता है किसी भी तरीके की चेंज इन करंट का जो इसको क्रिएट कर रही है जो करंट जो इससे वो क्रिएट हो रहा था उसमें किसी भी छोटी से छोटी चेंज को ये नहीं होने देता ये अपोज करता है हमेशा इसकी खुद ही की ईएमएफ इससे क्या होता है एज अ रिजल्ट इंडक्टर्स अपोज एनी चेंज इन द करेंट थ्रू देम ये वाला पॉइंट थोड़ा सा याद रखना आप लोग या कहीं नोट्स बनाए हो तो उसको लिख लेना इससे रिलेटेड जब हम लोग डिस्कशन क्वेश्चन का करेंगे तो मैं आपको याद दिलाऊंगा कि ये वाला पॉइंट हम लोग कहीं पढ़े हैं और इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है ठीक है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या लिखा हुआ है इंडक्टर अपोज करता है किसी भी चेंज इन करंट थ्रू देम करंट में होने वाली किसी भी चेंज को इंडक्टर अपोज करता है इंडक्टर नहीं चाहता है कि करंट जो उसके थ्रू जा रही है उसके अंदर कोई चेंज हो और कैपेसिटर ठीक अलग काम करता है कैपेसिटर अपोज करता है किसी भी चेंज इन वोल्टेज को ये पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं होने देना चाहता है कैपेसिटर और इंडक्टर कोशिश करता है कि उसके थ्रू फ्लो होने वाली करंट में कोई चेंज ना आ जाए ठीक है इसका रीजन आप पढ़ चुके हो यहां पे आगे बढ़ते हैं सो नेक्स्ट इज आगे लिखा हुआ ऐसा ही सिस्टम जो है उसमें यूनिट ऑफ इंडक्टेंस होती है हेनरी में ठीक है हेनरी में होती है विच इज द अमाउंट ऑफ इंडक्टेंस दैट कॉज अ वोल्टेज ऑफ वन वोल्ट वेन द करंट इज चेंजिंग एट अ रेट ऑफ वन एम्पियर पर सेकेंड देखो हेनरी कैसे डिस्क्राइब करोगे आप देखो इंडक्टेंस का सिंबल होता है कैपिटल एल यूनिट हो गई इसकी हेनरी ठीक है तो अगर आपको यह बताना है कि एक हेनरी का इंडक्टेंस अगर इंड्यूस हुआ है सिस्टम में इंडक्टेंस बना है तो उसका मतलब क्या हो गया इट कॉजेज अ वोल्टेज ऑफ वन वोल्ट वेन अ करेंट इज चेंजिंग एट अ रेट ऑफ वन एम्पियर पर सेकेंड अगर इस रेट पे चेंजेस है तो फिर

इसकी बेसिक टेंडेंसी है और यही रीजन है कि हेनरिच लेंस जो है इनके इनके नाम के एब्रीविएशन के अकॉर्डिंग कैपिटल एल से इसको डिनोट करने का सिस्टम बनाया उनके ऑनर में इसको कैपिटल एल से डिनोट किया जाता है इंडक्टेंस को ठीक अब एकदम मैं इन जनरल आपको एक चीज बता दूं कि एक इंडक्टर जो होता है केस ऑफ इन केस ऑफ इंडक्टर वी हैव इट्स डूल नेचर वी हैव अ डूल प्रॉपर्टी दो प्रॉपर्टी होती है दो नेचर होते हैं इसके ठीक है पहला जो होता है इट इज रिफर्ड टू कैपिटल एल दैट इज टर्म्ड एज इंडक्टेंस इंडक्टेंस है ना और इसकी यूनिट जो है दैट इज हेनरी हेनरी ठीक है और इसका दूसरा जो नेचर होता है इसकी जो दूसरी प्रॉपर्टी होती है दैट इज गिवन बाई एक्सएल दैट इज गिवेन बाई एक्स एल और एक्सएल का मतलब क्या होता है क्या बोलते हैं इसको कहीं पे भी देखो x अगर वर्ड लिखा हुआ है तो इट इज टर्म्ड एज रिएक्टेंस इट इज टर्म्ड एज रिएक्टेंस और इंडक्टर का रिएक्टेंस है तो हम लोग बोलेंगे इसको इंडक्टिव इंडक्टिव रिएक्टेंस इंडक्टिव रिएक्टेंस ठीक है और इसकी यूनिट आप लोग बताओगे मैंने

मोहित का आंसर ओम जय का आंसर ओम संकेत हाँ संकेत का आंसर भी ओम है एक्सेल का यूनिट रोहित ने भी बोला ओम वेरी गुड वेरी गुड बहुत बढ़िया सोम ओम और आकर्ष का भी आंसर है ओम साकेत जय जय कुमार साहू सब ने आंसर दिया है ओम मोहित का मोहन का भी आंसर आ गया ओम्स में बहुत बढ़िया परफेक्ट इसमें कभी कंफ्यूज नहीं होना अगर आप एसी का न्यूमेरिकल बना रहे हो तो इसी बेसिस पे आपका क्वेश्चन बनेगा सही अगर आपको इसकी यूनिट की पहचान है तो एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल बता देता हूं एसी का क्वेश्चन अगर ऐसा कुछ है और ऐसा आर एल सी सर्किट का कोई क्वेश्चन अगर आप हो सकता है बना रहे हो ऐसा कोई सर्किट रहता है और इसमें आपको दिया हुआ है कि क्वेश्चन में फाइंड करो वैल्यू ऑफ जेड टोटल इंपिडेंस अगर इंडक्टर की वैल्यू 3.25 मिली हेनरी दी हुई है और आगे चल के फिर लिखा हुआ है आगे चल के फिर यहां लिखा हुआ है कि सिस्टम में एक और इंडक्टर आ गया ऑफ टू ओम्स ठीक है और इनकी भी कुछ कुछ वैल्यू दे रखी आपको तो आपको अगर कोई क्वेश्चन में बोले टोटल इंपिडेंस फाइंड करना है तो आपको इंपिडेंस का वहां पे फिर मैं फॉर्मूलाट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ऐसा कुछ होता है और x के लिए आपको यहां पे चेक करना पड़ेगा कि दोनों x के फॉर्म में है कि नहीं रिएक्टेंस के फॉर्म में है कि नहीं इंपिडेंस निकालने के लिए ना यूजली रिएक्टेंस का फॉर्म ही यूज किया जाता है और उस फॉर्म में दिक्कत यह होती है हाँ भाई देखो क्वेश्चन आपका आया है पीडीएफ कैसे मिलेगा पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा डिस्क्रिप्शन में देखो चैनल का जो ऑफिशियल टेलीग्राम है ना वो उसको आप तुरंत ज्वाइन कर लो पीडीएफ आज ही के आज आपको मिल जाएगा ये जितना कुछ आपको बोर्ड में दिख रहा है ये सब पीडीएफ में मिलेगा आपको जो नोट्स जिससे हम लोग आज पढ़ रहे हैं ना वो पूरा का पूरा पीडीएफ में मैं अवेलेबल कर दूंगा आपको ठीक है तभी तो मजा आएगा ना कि क्लास में जो चीज पढ़ा उसका पूरा नोट्स आपके पास बना बनाया रहेगा तो मैं आपको बता रहा था कि अगर इंडक्टर ऐसे दो फॉर्म में दिया हुआ है एक जगह टू ओम्स लिखा है और दूसरी जगह कुछ मिली हेनरी लिखा है तो आप इसको देख के ही समझ जाओगे कि अगर ये हेनरी है तो दैट इट इज इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल एल इंडक्टेंस दिया हुआ है और जहां टू ओम लिखा है ये इंडक्टिव रिएक्टेंस दिया हुआ है तो दोनों में से किसको कन्वर्ट करना चाहिए किस फॉर्म में वो आपका क्लियर हो जाएगा अगर आपको ये दो चीज पता है तो यही कारण है इसको समझाने का ठीक है

देखते हैं इसके आगे क्या है तो इंडक्टर देखो बेसिकली इस तरीके से कुछ दिखाई दे सकता है ऐसा सेट ऑफ कंडक्टर ऐसा एक कॉयल जैसा फॉर्मड मटेरियल लगा हुआ है कोर के पॉइंट पे जो अपन यूज करते हैं ना उसी के बेसिस पे अलग अलग तरीके का इंडक्टर बनता है अगर आपने अंदर कोई भी कोर नहीं यूज किया तो इट इज टर्म्ड एज एयर कोर इंडक्टर अगर आपने सॉफ्ट आयरन का कोई पीस यूज किया तो आयरन कोर इंडक्टर बन जाता है अगर आपने फेराइट यूज किया फेराइट क्या होता है पाउडर की तरह होता है जिसको कि एक इमल्शन के साथ करके एक सॉलिड कोर जैसा क्रिएट किया जाता है ठीक है तो ये बन जाता है फेराइट कोर इंडक्टर सबका सिंबल सबका नोटिफिकेशन अलग अलग होता है सबको शो करने का तरीका अलग अलग होता है डिफरेंट होता है ठीक है जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल जैसा बता देता हूं मैं तो एक आइडिया मिल जाएगा आपको देखो जैसे ये होता है तो ये हमारा हो गया एयर कोर ठीक है इलेक्ट्रिकल में सिंबल के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखोगे तो फर्स्ट वन दिस इज दिस सिंबल इज फॉर एयर कोर इंडक्टर्स अगर आप ऐसा कोई इंडक्टर बनता हुआ देखोगे जिसके ऊपर ऐसे दो लाइन बनी हुई है सो दिस इज आयरन कोर आयरन कोर इंडक्टर और अगर आपके सामने ऐसा कोई सिंबल है इंडक्टर का जिसके ऊपर ऐसी डॉटेड लाइन बनी हुई है तो इसको बोलते हैं फेराइट कोर फेराइट कोर अलग अलग टाइप के यूसेजेस के लिए जिस अकॉर्डिंग जितनी इंडक्टेंस आपको चाहिए उसके अकॉर्डिंग वैसा इंडक्टर यूज किया जाता है जब भी कोई फिल्टर डिजाइन होता है ना लो पास हाई पास जैसा भी फिल्टर आपको डिजाइन करना है उसके बेसिस पे वैसा तरीके का इंडक्टर वैसे कोर वाला इंडक्टर यूज किया जाता है आगे चल के ग्रेजुअली बहुत सारा कुछ जब पढ़ेंगे तो आपको मैं और डिटेल में बताऊंगा ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पढ़ते हैं अब इंडक्टर के बारे में मेजरमेंट देखते हैं इंडक्टर के अंदर कौन सी मेजरेबल क्वांटिटीज होती है कौन सी मेजरेबल चीजें होती है जिसका फॉर्मुला आपको पता होना चाहिए जैसे कि इंडक्टर के अंदर जो एनर्जी स्टोर हो रहा है तो एनर्जी इन जूल्स कैसे कैलकुलेट करोगे आप क्योंकि आपके एसएससी के क्वेश्चन में आपको या यूपीपीसीएल क्वेश्चन में डेफिनेटली देखने को मिलेगा कि इंडक्टर के अंदर कुछ कुछ चीजों की वैल्यू आपको गिवन रहेगी और आपको एनर्जी इन जूल्स फाइंड करने को बोला जाता है ठीक ऐसे ही और भी कई सारी क्वांटिटी होती है तो चलो उनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं लिखा हुआ है सबसे पहले तो इंडक्टेंस इंडक्टेंस के लिए लिखा हुआ है वी कैन डिफाइन इंडक्टेंस ऑफ अ सर्किट एज वोल्टेज चेंज इंड्यूस्ड वेन द करेंट चेंज इज एट अर्टन रेट यानी सिस्टम के अंदर वोल्टेज में होने वाला चेंज कब जब करंट की वैल्यू को एक पर्टिकुलर रेट में आप चेंज कर रहे हो तो देखो बार बार यहां पे ये बोला जा रहा है कि जब करंट चेंज हो जाए जब करंट की वैल्यू लगातार बदल रही हो तो ऐसा किसके केस में होता है एसी के, के केस में या डीसी के के केस में ये समझना आपका बहुत ज्यादा जरूरी है ठीक है ये इंपॉर्टेंट है आगे लिखा हुआ है मैथमेटिकली इसी चीज को कैसे एक्सप्रेस किया जाएगा मैथमेटिकली इसी चीज को कैसे एक्सप्रेस किया जाएगा भाई तो लिखा होगा उस केस में कि v उसके क्या लिखा होगा l अगर इंडक्टेंस को डिनोट कर रहा है तो इट विल बी गिवन विल्वस टू एल इन टू रेट ऑफ चेंज ऑफ करेंट विध रिस्पेक्ट टू टाइम इस फॉर्म में वोल्टेज के अंदर होने वाला चेंज जो है उसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है यानी सिस्टम की इंडक्टेंस जितनी है और जिस रेट पे करंट चेंज हो रही है उसी अकॉर्डिंग वैसा पोटेंशियल वैसा वोल्टेज वहां पे डेवलप होगा क्लियर है इसके आगे देखते हैं कि वेयर वी इज द इंडक्टर टाइम इन सेकंडेज इज अपलाइड अक्रॉस द इंडक्टर द करेंट राइज इन लीनियर स्लोप एकदम क्लियर है इसी से कि अगर एक कॉन्स्टेंट वोल्टेज हम लोग अप्लाई करते हैं इंडक्टर के दोनों एंड पे इंडक्टर के दोनों सिरे पे

ये देखो इसकी बात कर रहा हूं ये वाला दिस इज अ रैंप जब भी करंट का रैंप क्रिएट करना होता है ना देखो रैंप कुछ ऐसा दिखाई देता है ऐसा ऐसा अगर क्रिएट करना है हमको ऐसा स्टेप के फॉर्म में ऐसे करंट की वैल्यू को चेंज करना है तो इतनी दूर का जो फॉर्म है ना ये आपको इंडक्टर लगाने से मिलेगा और बाकी का फॉर्म जो है वो रजिस्टर और कैपेसिटर की यूज करने से होता है आगे चल के जब मैं टैंक सर्किट वगैरह पढ़ाऊंगा आपको तो एकदम आसानी से क्लियर हो जाएगा एसी में पढ़ेंगे हम लोग ठीक है सत्यम अभी क्लियर है ना किसकी बात कर रहा हूं मैं मैं रैंप की बात कर रहा हूं रैंप ठीक है चलो देखते हैं ऐसा कैसे हो रहा है दिस कैन बी यूजफुल इन क्रिएटिंग द करेंट रैंप देखो लिखा भी हुआ है यहां पे थैंक यू फॉर द हार्ट सत्यम थैंक यू करंट रैंप ठीक है जस्ट लाइक द कैपेसिटर क्रिएटेड अ वोल्टेज रैंप जैसा मैंने बताया कैपेसिटर जो है वो वोल्टेज का रैंप क्रिएट करेगा वोल्टेज में कोई चेंज नहीं होने देगा तो वोल्टेज को एकदम स्टीप रखेगा और करंट का रैंप जो है वो किससे क्रिएट हो रहा है इंडक्टर से तभी तो आगे चल के आप पढ़ते हो कि जो टैंक सर्किट में हम लोग हमेशा एल और सी का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं किसका यूज करते हैं एल सी कॉम्बिनेशन यूज करते हैं हम लोग हमेशा ठीक है तो ये एल सी जो हम लोग यूज करते हैं इसी के कारण जो एफ की वैल्यू आती है वो टू पाई अंडर रूट एलसी के फॉर्म में हम लोग डिनोट कर पाते हैं है ना यही रीजन होता है ये ये टैंक सर्किट के केस में आपको मिल जाएगा

सिविल इंजीनियरिंग एंड डिजाइन क्वेश्चन है आपका मुकुल सर का क्लास कब रहता है सर मुकुल सर का क्लास 5 पीएम डेली बेटा बिल्कुल मिस नहीं करना है रेगुलरली मुकुल सर की क्लास चल रही है अच्छे अच्छे टॉपिक्स लेके आ रहे हैं आप लोगों के लिए तो आपको 5 पीएम पे एकदम अपने दोस्तों को भी जल्दी से शेयर कर दो जितने सिविल वाले बच्चे हैं ठीक है फाइव पी डेली सर की क्लास हो रही है एनर्जी स्टोर्ड बाई इंडक्टर पे चलते हैं ठीक एनर्जी स्टोर्ड बाई इंडक्टर तो लिखा हुआ है इंडक्टर कैन स्टोर एनर्जी मच लाइक द कैपेसिटर बिल्कुल कैपेसिटर की तरह बस एक ही अंतर होता है कि कैपेसिटर इलेक्ट्रिकल फॉर्म में चार्जेस को स्टोर करते हैं जबकि इंडक्टर मैग्नेटिक फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड को स्टोर करते हैं ठीक क्या लिखा हुआ है बट द एनर्जी इज गॉन द द द मोमेंट यू डिस्कनेक्ट पावर एंड मैग्नेटिक फील्ड क्या अंतर होता है एक कैपेसिटर को अगर आपने सप्लाई से लगा के रखा है सप्लाई डिस्कनेक्ट भी कर दोगे तो कुछ समय तक वो चार्जेस को अपने अंदर होल्ड करके रख सकता है ठीक है लेकिन इंडक्टर के, के केस में ऐसा नहीं होता आप जैसे ही उसको सप्लाई से डिस्कनेक्ट करते हो वो अपनी एनर्जी लूज कर जाता है अपनी एनर्जी

ये वाला फॉर्मूला कहीं पे आप लोग नोट कर लो कि एनर्जी जो स्टोर कर रहा है जूल्स में इसकी यूनिट रहेगी इट इज गिवन एज हाफ एल आई स्क्वायर एनर्जी स्टोर्ड बाय इंडक्टर कोई भी आपसे अगर क्वेश्चन में कहीं पे भी दिया रहेगा तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो जहां पे भी आप लोग नोट्स बना रहे हो

एनर्जी स्टोर बाय द इंडक्टर देखे अब तीसरी चीज और लास्ट चीज जो देखना है इसके बारे में लिखा है डिस्चार्ज होता है क्या इंडक्टर डेफिनेटली डेफिनेटली मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर कर रहा है ना तो मैग्नेटिक फॉर्म में जब वो डिस्चार्ज हो रहा है आपको जब करंट आउटपुट के फॉर्म में दिख रही है तो डेफिनेटली आप उससे समझ सकते हो ठीक right है राइट है ठीक है गुड चलो अभी बात कर रहे हैं हम लोग किसकी अभी बात कर रहे हैं हम लोग इंडक्टिव रिएक्टेंस की तो रिएक्टेंस जैसे जो बच्चे जो हिंदी में जो उसको पढ़े होंगे वो प्रतिघात के नाम से पढ़ते हैं रिएक्टेंस को उसकी बात कर रहा हूं मैं ठीक है तो प्रतिरोध पढ़े थे रेजिस्टेंस प्रतिघात पढ़ रहे हैं आज रिएक्टेंस ठीक है तो नेट पैसे मैंने देखा और कन्वर्ट करके सीखा कि उसको हिंदी में बोलते क्या है ठीक है सो दैट कि आप बच्चों को यह चीज समझ में आ जाए क्योंकि इसका नाम हिंदी में मुझे भी नहीं पता था चलो भाई इंडक्टिव रिएक्टेंस होता क्या है वॉट इज द मीनिंग ऑफ रिएक्टेंस पहले तो वही समझ लो फिर इंडक्टर और कैपेसिटर के केस में दोनों वर्ड्स आने वाले हैं ठीक है रिएक्टेंस रिएक्टेंस क्या होता है? होता है है भी अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ ही इसको ध्यान से समझना आप लोग रिएक्टेंस किसको डिनोट करता है वो समझ लेते हैं एक बार रिएक्टेंस का मतलब क्या होता है रिएक्टेंस के बारे में कुछ चीजें हैं जो रेजिस्टेंस से उसको अलग करती हैं काफी चीजें हैं जो रेजिस्टेंस के सिमिलर है बिल्कुल लेकिन कुछ चीजों में वो रेजिस्टेंस से डिफरेंट होता है क्या होता है उसी को कुछ पॉइंट में आपको समझाऊंगा तुरंत समझ आएगा रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस में कॉमन चीज ये है कि दे प्रोवाइड दे प्रोवाइड अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ चार्जेस दे प्रोवाइड अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ चार्जेस ये बिल्कुल कॉमन चीज है जो दोनों के अंदर होता है इसी प्रॉपर्टी को हम लोग रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस दोनों ही चीजों से रिफर कर सकते हैं दोनों के दोनों चार्जेस को अपने थ्रू फ्लो होने में अपोजिशन ऑफर करते हैं अपोजिशन ऑफर करते हैं लेकिन इसका आउटकम जो होता है वो दोनों का अलग अलग होता है ध्यान से समझना ये चीज इन दोनों को अलग करती है एकदम ध्यान से समझना आप लोग ठीक है राहुल ने लिखा हुआ है सर ट्रांसको में के पेपर में कैसा क्वेश्चन डिजाइन होता है इस टॉपिक से आप कल नहीं परसों का जब लाइव सेशन देखोगे तो मैं इसी सब टॉपिक का आज और कल के जो दो टॉपिक में हम लोग जितना भी कुछ पढ़ेंगे उसका डिस्कशन फिर से रखेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का और उसमें मैं आपको बताऊंगा राहुल आपके इस क्वेश्चन का आंसर और उसके अंदर हम लोग कुछ क्वेश्चन भी लिखेंगे ट्रांसको का भी देखेंगे एस एस सी के भी कुछ क्वेश्चन लेकर आऊंगा आप लोगों के लिए और उसमें डिस्कस करेंगे कि इस टॉपिक से कैसा क्वेश्चन बनता है वहां मिलेगा आपको इलेक्ट्रिकल का टाइम टेबल सेम टाइम मशीन की क्लास दो बजे से इलेक्ट्रिकल की क्लास साढ़े तीन बजे से मतलब बेसिक इलेक्ट्रिकल की क्लास साढ़े तीन बजे से और पावर सिस्टम की संतन सर की क्लास जो है वो सिक्स पीएम डेली ये फिक्स टाइम टेबल है संदीप अपोज द फ्लो ऑफ फ्लक्स और मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल द रियक्टेंस ठीक है बढ़िया बढ़िया चलो देखते हैं रिएक्टेंस क्या कर रहा है अपोजिशन ऑफर कर रहा है टू द फ्लो ऑफ चार्जेस रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है रेजिस्टेंस भी क्या कर रहा है अपोजिशन ऑफर कर रहा है टू द फ्लो ऑफ चार्जेस लेकिन दोनों का रिजल्ट अलग अलग होता है क्या अलग अलग होता है रेजिस्टेंस जब यही अपोजिशन ऑफर करता है तो इस अपोजिशन के कारण क्या नुकसान होता है क्या देखने को मिलता है हीट इज डिसिपेटेड एंड एनर्जी इज लॉस्ट क्या होता है फिर से सब सुनो इसको ध्यान से हीट हीट इज डिसिपेटेड का डिसिपेशन होता है जब जब मैंने पूरा फिनोमिना आपको समझाया हुआ है देख लो जल्दी से वीडियो को ठीक है अभी नहीं लेकिन अभी अभी लाइव में, में मेरे साथ रहो हीट इज डिसिपेटेड एंड एनर्जी इज लॉस्ट जब वो रेजिस्टेंस जब करंट को अपोज करता है तो कुछ हीट जो है वो डिसिपेट करना शुरू करता है और उस फॉर्म में एनर्जी वेस्ट होती है आपकी आप उसको यूजफुल एनर्जी की तरह नहीं रख सकते हो वो एनर्जी आपकी वेस्ट हो रही है जबकि रिएक्टेंस किस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कि वो अपोजिशन तो ऑफर कर रहा है लेकिन वो हीट के फॉर्म में डिसिपेशन नहीं कर रहा है एनर्जी इज स्टोर्ड इन एनी फॉर्म दस नो हीट डिसिपेशन एंड नो पावर कंजम्प्शन क्या पता चला इससे दोनों के बीच का एकदम क्लियर डिफरेंस यहां पे लिखा हुआ आपके सामने बोर्ड पे ठीक है रेजिस्टेंस अगर सर्किट में लगा है तो वो करंट को अपोज करेगा जिससे कि हीट डिसिपेट करेगा जिससे कि एनर्जी या पावर का लॉस होगा सिस्टम के अंदर ठीक है जबकि रिएक्टेंस अगर किसी सिस्टम के अंदर काम कर रहा है तो यह भी अपोजिशन ऑफर कर रहा है फ्लक्स चार्जेस इन फ्लो के लिए लेकिन ये उस 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 अपोजिशन से एनर्जी को को चार्ज अपने अंदर स्टोर कर रहा है ठीक है और जिसकी वजह से कोई हीट डिसिपेट नहीं करेगा कोई पावर का लॉस नहीं होता यानी नेट पावर कंज्यूम जीरो ही आता है इसके केस में जबकि रेजिस्टेंस के केस में पावर कंज्यूम हो रहा है वो वेस्ट हो रहा है वो पावर उतना ठीक है जबकि कोई भी रिएक्टेंस अगर किसी सर्किट में लगाए तो वो पावर को वेस्ट नहीं करवाएगा आपका वो स्टोर कर लेगा अपने अंदर किसी ड्यूरेशन में ठीक है ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन होता है एक रिएक्टेंस के बारे में ये चीज जो है वो जानना आपके लिए जरूरी होता है ठीक है ये क्लियर है ना आप सभी को और दूसरा प्रॉपर्टी क्या होता है इसका वो बता दूं आपको दूसरा प्रॉपर्टी क्या होता है वो भी लिख के दे देता हूं यहां पे रिएक्टेंस की दूसरी प्रॉपर्टी ये होती है सेकंड प्रॉपर्टी इसकी ये है कि ड्यू टू ड्यू टू द प्रेजेंस Due to the presence of reactants, due to the presence of reactants, the current shifts by quarter of cycle, current shifts by क्वार्टर ऑफ साइकिल ऑफ सप्लाइड वोल्टेज इसको ध्यान रखना ठीक है क्या बोला मैंने अगर किसी सर्किट के अंदर रिएक्टेंस प्रेजेंट है तो करंट एक क्वार्टर साइकिल शिफ्ट हो जाती है किससे उस सर्किट की अवेलेबल

कोई भी प्योर इंडक्टर या प्योर कैपेसिटर अगर है तो उसके अंदर रेजिस्टेंस जीरो होता है और कोई भी प्योर रेजिस्टेंस अगर है तो उसके अंदर रिएक्टेंस जीरो होता है इसको नोट कर लेना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है क्लियर है ना यहां तक तो आप सभी को चलो तो अब रिएक्टेंस का कंसेप्ट आपको क्लियर है तो ये पता है आपको कि जिन चीजों के अंदर रिएक्टेंस होता है उन चीजों के अंदर आइडियली कोई रेजिस्टेंस नहीं होता है ठीक यानी इंडक्टर और कैपेसिटर के अंदर आर की वैल्यू हमेशा जीरो होगी सिर्फ और सिर्फ एक्सएल एग्जिस्ट एकसे करेगा या एक्स एग्जिस्ट करेगा जबकि एक रजिस्टर जो है उसके अंदर रिएक्टेंस की वैल्यू एक्स वाला जो फैक्टर है वो मिसिंग रहता है वो जीरो रहता है पूरी तरह से ठीक है चलो और आपको वापस लेके चलता हूं नोट्स पे और पढ़ते हैं आगे अबाउट द इंडक्टिव रिएक्टेंस जो नोट्स के अंदर लिखा हुआ है जो आप लोग जब स्टडी करोगे तो देखोगे ठीक है आकर्षण लिखा हुआ है हाउ द शिफ्ट शिफ्ट ऑकर्स कैसे होता है कैसे वो करंट और वोल्टेज को लीड और लैक देखेंगे अभी ग्राफ के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक इंडक्टिव रिएक्टेंस में देखो क्या लिखा हुआ है इंडक्टर है इंपीडेंस दट इज रिलेटेड टू द फ्रीक्वेंसी बाय द फॉर्मुला सीधी सीधी बात है एकदम फ्रीक्वेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज रिलेशन पे आती है ठीक है अभी तक हम लोग बात किए थे कि इंडक्टर के अंदर रिएक्टेंस होता है इंडक्टिव रियक्टेंस जो है वो डेफिनेटली कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है कि क्या एसी पे यूज हो सकता है या डीसी पे रिएक्टेंस की प्रॉपर्टी आपको ए सप्लाई पे मिलेगी या डीसी सप्लाई पे मिलेगी यही से आपको दो मिनट में क्लियर हो जाएगा ठीक है एकदम कंटिन्यूअसली देखना हा भाई चलो

f where f stands for the frequency frequency of that supply frequency of that cycle acha aage dekhte hain iske bare mein where xl is the inductive reactance f is the frequency in hertz and l in the inductance in henrys aage aapke samne iska graph isko samajh lete hain pehle quickly इस ग्राफ से आप इसको clearly समझ सकते हो आप देखो यहां पे जो ग्राफ है उसमें voltage और current दोनों की ग्राफ यहां पे shown है और आपको clearly यहां दिख जाएगा कि current जो है आईएल

करंट ठीक है तो यही रीजन होता है कि उस केस में कि आपका वोल्टेज जो है वो पहले चेंज होता है और उसके रिस्पेक्ट में बाद में करंट के अंदर जो चेंज होता है वो ग्रेजुअली बहुत पीछे चलता है बहुत स्लो चलता है आइडियल अगर केस है आपके इंडक्टर का तो करंट हमेशा 90 डिग्री से लैग करेगी प्रैक्टिकल केसेज में यह एंगल चेंज हो जाता है नाइन्टी तो नहीं रहता है लेकिन लैगिंग स्टेट आपको हमेशा मिलेगा यह कंफर्म रहता है ठीक है तो ये है इसको आप लोग ध्यान देना अब इसी को ये तो फेजर के अंदर हो गया इसी को आपको अगर के अंदर समझना है तो कैसे समझोगे कि अगर कर लो ये से जो बना हुआ है ठीक है, एक के अंदर के ये पूरा का पूरा है और ये कंडीशन है इस ग्राफ के 90 डिग्री पे रीच करने की दिस इज कंडीशन फॉर 90, दिस इज पाई जिसको हम लोग ऐसे पाई से डिनोट करते हैं और ये वाला पॉइंट हमारा हो गया टू पाई का ठीक है इसी पूरे ग्राफ को चार क्वार्टर्स में हम लोग डिवाइड करके रखे हैं। इसी पूरे ग्राफ को चार क्वार्टर्स में डिवाइड हैं। यहां से यहां तक फर्स्ट क्वार्टर है वन फोर्थ ऑफ एंटायर फ्रीक्वेंसी एक फ्रीक्वेंसी मतलब जितने नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड वहां पे हो रहे हैं ठीक है यहां से यहां तक इस वोल्टेज के फॉर्म में, में बोलूं, तो दिस इज वन साइकिल एक साइकिल कंप्लीट होता है तो इसके डिग्री पे पे डिग्री 90 डिग्री पे पहुंचने की आप पे आपको, इसकी वैल्यू मिल रही है, तो आपको डिग्री पीछे चलता हुआ दिखेगा शिफ्टेड दिखाई देगा हमेशा ये जो वैल्यूज है ये इसकी की है, तो इससे फर्क नहीं पड़ता है कि मैग्नीट्यूड कितनी है लेकिन फेस शिफ्ट आपको यहां से क्लियरली देखने को मिल जाएगा जो आपने यहां पर था तो इंडक्टर के केस में हमेशा ध्यान रखना कि करंट जो है वो हमेशा पोटेंशियल से पीछे चलेगी लैग करेगी और रीजन हम लोग पढ़ चुके हैं इसका ठीक है इसी सेम चीज को कैपेसिटर के लिए भी स्टडी करेंगे हम लोग ठीक शॉर्ट में जल्दी से एक छोटा सा ग्राफ है आपको दिखा देता हूं उसको बना के भी आपको दिखा दूंगा अभी जस्ट ठीक है यहां पर ग्राफ बना हुआ है अगर आपको इसमें क्लियरली नहीं दिख रहा होगा तो इसको हम लोग जल्दी से बोर्ड पे समझ लेते हैं फ्रीक्वेंसी वर्सेस रिएक्टेंस का ग्राफ है और ये सेम चीज हम लोग कैपेसिटर के लिए भी पढ़ेंगे तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना है आपको फ्रीक्वेंसी वर्सेस रिएक्टेंस का ग्राफ और इसी को पढ़ेंगे हम लोग फॉर कैपेसिटर एज वेल तो अगर सपोज इसको थोड़ा सा और थिक कर लेते हैं ठीक है और इस सेम चीज को अगर हमको ऐसा ट्रेस करना है इसको कैसे समझोगे आप एकदम इजी है कोई टफ थिंग नहीं है ठीक और अगर इसी में हमको रिएक्टेंस को शो करना है एग्जैक्टली exactly, ऐसा लीनियर कैरेक्टरिस्टिक आपको यहां पे शो होता हुआ दिख जाएगा अगर आपका ये वाला सेक्शन फ्रीक्वेंसी को शो कर रहा है मैं ये ग्राफ आपको क्यों समझा रहा हूं उसके पीछे एक रीजन है आगे चल के जब मैं आपको एसी पढ़ाऊंगा और जब मैं वहां पे आपको कंसप्ट ऑफ रेजोनेंस आपके साथ डिस्कस करूंगा ना तो कंसेप्ट ऑफ रेजोनेंस में मुझे आपको वहां पे समझाना पड़ेगा कि किस कंडीशन में रेजोनेंस होता है जब Z की वैल्यू किसके बराबर हो जाती है और एक्सएल एक्सी का कैसा रिलेशन होता है तो वो रिलेशन समझाने के लिए मुझे ग्राफ समझाना पड़ेगा आपको जो मैं अभी से समझा रहा हूं आपको यहाँ ठीक है ध्यान रखना इसको हाँ, किसी ने आंसर लिखा है राहुल ने लिखा आंसर की पावर आइडियल इंडक्टर जीरो बिल्कुल सही लिखा आपने अभी जस्ट हम लोगों ने देखा के लेकिन पावर डिसिपेट के नहीं होता है तो अब यहां पे देखो ये रिएक्टेंस को, को शो कर रहा है इन ओम्स ठीक है तो उस केस में देखो आपका कैरेक्टरिस्टिक जो है वो बिल्कुल आइडियल दिखेगा जैसे यहां पे आपको दिख रहा है इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सेल जो है वो बिल्कुल ऐसा आइडियल कैरेक्टरिस्टिक ट्रेस करेगा ठीक तो यही रीजन है कि मैंने इसको अलग से आपको बना के दिखा हुआ है फ्रीक्वेंसी है है तो इसको में लिख लेते हैं हम लोग ठीक ये आपका इंडक्टेंस इंडक्टिव रिएक्टेंस कंफ्यूज नहीं होना है इसमें इंडक्टिव रिएक्टेंस जिसकी वैल्यू एक्स एल से शो करते हैं दैट इज इक्व टू टू पाई एफ एल इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग ठीक है तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये ग्राफ अगर आपको क्लियर है अपने नोट्स में जरूर बना लेना ले आप लोग इस ग्राफ को आगे बढ़ते हैं और आपके साथ कुछ और एक्स्ट्रा चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे इसी इंडक्टर 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 के पॉइंट ऑफ व्यू से और फिर दोनों ग्राफ को करेंगे हम लोग फॉर कैपेसिटर एंड एज वेल यहां तक तो था का पार्ट अब शुरू कर रहे हैं हम लोग कैपेसिटर ठीक कैपेसिटर के बारे में हम लोगों को यह पता है कि कैपेसिटर एक बेसिक ऐसा कोई कंपोनेंट होता है जिसकी टेंडेंसी होती है कि वो चार्जेस को अपने अंदर स्टोर कर लेता है ठीक सिस्टम में अगर आपने कनेक्ट किया तो चार्जेस को कैपेसिटर स्टोर कर सकता है अपने अंदर ठीक है ये इसकी टेंडेंसी होती है लिखा हुआ है कैपेसिटर इज अ कंपोनेंट विच हैज द एबिलिटी और कैपेसिटी टू स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एन इलेक्ट्रिकल चार्ज इंडक्टर क्या स्टोर कर रहा था एनर्जी स्टोर कर रहा था मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में कैपेसिटर क्या स्टोर कर रहा है ये भी एनर्जी को स्टोर कर रहा है लेकिन किस फॉर्म में इलेक्ट्रिकल चार्ज के फॉर्म में ठीक है क्यू के फॉर्म में स्टोर कर रहा होगा चार्जेस को अपने अंदर स्टोर कर रहा होगा आगे लिखा हुआ है प्रोड्यूसिंग अ पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज स्टैटिक वोल्टेज अक्रॉस इट्स प्लेट जब चार्जेस को स्टोर कर रहा है तो कुछ पोटेंशियल जमा कर रहा है और पोटेंशियल जमा कर रहा है तो मतलब कुछ प्लेट्स होंगी उसके पास जहां पे वो पोटेंशियल कलेक्ट हो रही होंगी और जब उन प्लेटों में पोटेंशियल कलेक्ट हो रहा होगा तो डेफिनेटली पोटेंशियल में कुछ अंतर होगा अगर डिफरेंस आएगा तो दैट विल बी टर्म्ड एज अ पोटेंशियल डिफरेंस अगर डिफरेंस नहीं है तो फिर पैरल प्लेट कैपेसिटर बोल सकते हो आप उसको ठीक है चलो देखते हैं लाइक अ स्मॉल रिचार्जेबल बैटरी दिस प्रॉपर्टी इज ऑल्सो नोन एज कैपेसिटेंस एंड इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल सी

ठीक है कैपेसिटेंस की यूनिट आपको बतानी है कैपेसिटेंस किससे डिनोट करते हैं कैपिटल सी से इसकी यूनिट क्लियर करके बताना आप लोग ठीक है अभी पढ़ेंगे आगे हम लोग चलो आगे बढ़ते हैं कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन ऑफ कैपेसिटर कैथरीन फराडे बिल्कुल सही ठीक है माइकल फराडे के नाम पे इसका होता है जो यूनिट बनता है फैरड्स में डलता है इसका यूनिट एक्चुअल में फेरेड्स बोलते हैं हम लोग इसको तो फराडे तो माइकल फराडे के नाम पे ही इसकी यूनिट पड़ी हुई है ठीक है जो साइंटिस्ट थे तो फेरेड बोल सकते हो आप इसको फेरेड होती है इसकी यूनिट ठीक है आकर्ष सत्यम जय साकेत करेक्ट है आप लोगों का आंसर एकदम करेक्ट है ठीक है लेकिन फेरेड है करेक्ट आंसर हाँ ठीक है राइट right है फेरेड कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन ऑफ कैपेसिटर कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन ऑफ कैपेसिटर बिल्कुल जल्दी से स्टडी कर लेते हैं इसको ठीक कंस्ट्रक्शन में क्या क्या दिखेगा आपको चलो देखते हैं पहले पूरा नोट से डिस्कस कर लेते हैं फिर आपको और डिटेल में समझाऊंगा लिखा हुआ है इन इट्स बेसिक फॉर्म ऑफ कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ टू और मोर पैरल कंडक्टिव मेटल प्लेट्स पैरल कंडक्टिव मेटल प्लेट्स कैसे समझोगे देखो एक कैपेसिटर जो होता है अगर सपोज एक कैपेसिटर के केस में अगर आपको इस चीज को स्टडी करना है तो आप इसको कुछ ऐसा बना सकते हो यह ऐसा एक प्लेट आपको दिखाई देगा या चलो इसको ऐसे ही फ्री हैंड अगर मैं बनाऊं तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको ठीक है और इसी के सामने एक और ऐसा प्लेट आपको दिखाई देगा ठीक ये दोनों ही प्लेट्स से कुछ चार्जेस अटैच हैं, कुछ कुछ पोटेंशियल कुछ सप्लाई या तो आ, ए हो सकता है या डीसी हो सकता है जो भी टाइप की सप्लाई हम इसके अंदर प्रोवाइड कर रहे हैं और इससे कुछ अमाउंट ऑफ चार्जेस जो है वो यहां पे जमा होती जा रही है ठीक ये दोनों ही प्लेट्स एक दूसरे से ये दोनों ही प्लेट्स एक दूसरे से कुछ सर्टन चीजों से अपार्ट हैं इनके अंदर कुछ ऐसा लगाया जाता है जिससे कि ये दोनों एक दूसरे को डायरेक्टली फिजिकली टच ना करें इनके अंदर जो चीज होता है वो इंसुलेटिंग मटेरियल होता है क्या होता है इंसुलेटिंग मटेरियल ठीक है कुछ ऐसा इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक इसको बोलते हैं हम लोग डाई इलेक्ट्रिक ठीक है मोहित का आंसर आया है कुलम पर वोल्ट ठीक है बढ़िया वेरी गुड हाँ बिल्कुल सही है राइट है वो भी अजय का भी आंसर है कुलम पर वोल्ट और सत्यम ने लिखा नो फिजिकल कनेक्शन बिल्कुल करेक्ट है सत्यम कोई इसके बीच में फिजिकल कनेक्शन नहीं रखते हैं क्योंकि फिजिकली कनेक्ट कर देंगे तो फिर मतलब ही क्या होगा आपको ये प्लेट्स लगाने का ठीक है इस प्लेट्स के लगाने का पर्पज बस इतना होता है कि जो चार्जेस यहां पर आ रही है वो जमा हो जाए हर प्लेट के अंदर जहां से जो भी चार्जेस है वो कनेक्टेड है वो चार्जेस का यहां पर कलेक्शन हो जाए और फिजिकली ये लोग दूसरे पॉइंट पर ना पहुंच सके यही कारण होता है कि इन दोनों को कुछ एक इंसुलेटिंग मटेरियल का डाई लगा दिया जाता है या इंसुलेटिंग मटेरियल को ही फिजिकली यहां रख दिया जाता है ताकि ये लोग एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ना पहुंच सके ठीक है हाँ भाई तो सुपर हीरो का भी आंसर आ गया फेरेड वेरी गुड बढ़िया चलो देखते हैं इसको तो ये जो डाईलेक्ट्रिक होता है ना इसकी भी प्रॉपर्टी कुछ होती है इसका भी कुछ डाइ इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट होता है जिसको डिस्कस करेंगे आगे और अलग अलग तरीके के मटेरियल इसके dielectric के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज किए जाते हैं ये जो कैपेसिटर का स्ट्रक्चर आप देख रहे हो दिस इज बेसिकली रिफर्ड एज अ पैरल प्लेट कैपेसिटर तो आपको यह पता चल गया कि कैपेसिटर जो होता है वो अपने अंदर क्या स्टोर कर सकता है इलेक्ट्रिकल

मैंने क्या बोला पैरल में जो दो प्लेट्स ऐसे एक दूसरे के आमने सामने लगी हुई है और एक दूसरे से कुछ डाई इलेक्ट्रिक से अपार्ट हैं दोनों के दोनों ठीक है तो ये कितनी चार्जेस ये प्लेट जमा करेंगी वो किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा कि प्लेट की एरिया कितनी है उसकी लेंथ कितनी है और कितनी दूरी पे एक दूसरे से दोनों प्लेस्ड है ठीक है दो तीन फैक्टर पे डिपेंड करता है ये तो उसी के बारे में चलो जल्दी से इसके डेफिनेशंस में देखते हैं और फिर आप लोगों का कमेंट लेता हूं मैं तो लिखा हुआ इन बेसिक फॉर्म ऑफ कैपेसिटर कंडक्टिव मेटल प्लेट्स आगे लिखा हुआ गुड इंसुलेटिंग पेपर माइका सिरमिक प्लास्टिक या किसी भी तरीके का कोई भी लिक्विड जेल हो सकता है यूज इन इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर अलग अलग तरीके कैपेसिटर लास्ट में देखेंगे हम लोग कौन कौन से होते हैं लिखा हुआ द इंसुलेटिंग लेयर बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट्स इज कॉमनली कॉल्ड एज डाय वही जो इंसुलेटिंग लेयर दोनों प्लेट्स को अलग करता है उसी को बोलते हैं आगे क्या लिखा हुआ है डाय हाँ भाई आगे इसके ऑपरेशन में इसी के आगे क्या क्या लिखा हुआ है कि ड्यू टू दिस इंसुलेटिंग लेयर द डायरेक्ट करेंट नॉट फ्लो थ्रू द कैपेसिटर एज इट ब्लॉक्स इट अलाउंग इनस्टेड ऑफ वोल्टेज टू बी प्रेजेंट अक्रॉस द प्लेट्स इन द फॉर्म ऑफ एन इलेक्ट्रिक चार्ज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ये इंपॉर्टेंट था आगे क्या लिखा हुआ है द कंडक्टिव मेटल प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर कैन बी इधर स्क्वायर सर्क्युलर रेक्टेंगुलर जो भी मेटल प्लेट है ना उसके शेप का कोई खास जो है वो इंपॉर्टेंस नहीं है हाँ हालांकि अलग अलग टाइप के सर्किट में आपकी जैसी अवेलेबिलिटी है जैसा स्पेस है उस अकॉर्डिंग आप अलग अलग शेप का प्लेट यूज कर सकते हो लेकिन पर्पस तो एक ही है ना इसका वो जो प्लेट वहां लगी हुई है उसका काम एक ही है चार्जेस को अपने पास इकट्ठा करना अपने पास जमा करना यही उसका बेसिक पर्पज है तो शेप का कोई खास इंपॉर्टेंस है नहीं आप उसको स्क्वायर सर्क्युलर रेक्टेंगुलर किसी भी शेप का रख सकते हो और दे कैन बी ऑफ अ अड्रिकल और स्फेरिकल शेप विध जनरल शेप साइज एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ अलग प्लेट कैपेसिटर डिपेंडिंग वोल्टेज रेटिंग उस अकॉर्डिंग आप इसको चेंज कर सकते हो लिखा हुआ सप्लाई वोल्टेज जब डीसी सप्लाई आप उसको दोगे तो अपनी चार्ज वोल्टेज के बराबर तक तो चार्जेस को स्टोर करेगा ठीक है फिर आगे क्या होगा बट ब्लॉक्स द फ्लो ऑफ करेंट थ्रू इट बिकॉज द डाईल कैपेसिटर इज अ नॉन कंडक्टिव एंड बेसिकली एन इंसुलेटर तो चार्ज को जमा तो करता रहेगा लेकिन अपने थ्रू करंट को जाने नहीं देगा उस ड्यूरेशन में तो एक ओपन सर्किट जैसा कुछ क्रिएट कर देगा अगर आप उसको डीसी पे यूज कर रहे हो तो आगे क्या होता है देखते हैं अ कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू एन और सर्किट द फ्लो ऑफ करंट अपियर्स टू पास स्ट्रेट थ्रू द कैपेसिटर विद लिटिल ऑल नो रेजिस्टेंस ठीक है ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है एसी और डीसी में इसके यूज का जो प्रिंसिपल है वो थोड़ा सा अलग टाइप का चलता है तो देखते हैं हम लोग इसके बारे में और आगे फिर क्या लिखा हुआ है आगे देखते हैं भाई नेक्स्ट क्या है कंसेप्ट ऑफ कैपेसिटेंस अच्छा तो इसी के साथ बनता है ऑफ कैपेसिटेंस तो आपको एसी और डीसी दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ में आ गया ना कि किस तरीके से वर्क कर रहा है तो अब इसका कैपेसिटेंस का बेसिक कंसेप्ट क्या बताता है हमको लिखा हुआ है कैपेसिटेंस इज द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू होल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज कोई भी बॉडी अगर इलेक्ट्रिक चार्ज को होल्ड करती है तो आप बोल सकते हो इट इज हैविंग अ कैपेसिटेंस आगे लिखा हुआ है इन न्यूमेरिकल टर्म्स इट इज द रेशियो ऑफ अमाउंट डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्टूडेंट आप लोगों ने मोहित का अजय का सबका आंसर है जो बिल्कुल करेक्ट आंसर था तो इसी को आप देख सकते हो यहां पर लिखा हुआ है न्यूमेरिकल टर्म में आप बोल सकते हो कि इट इज रेशियो ऑफ द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर्ड कितनी इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर्ड है ऑन अ कंडक्टर टू अ डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ना

कि जब पैरल प्लेट कैपेसिटर अब आजकल जो बनते हैं अगर तो उसमें मल्टीपल प्लेट्स यूज करते हैं दो प्लेट नहीं चार प्लेट यूज कर सकते हैं छह प्लेट यूज कर सकते हैं और सबको डाई से सेपरेट कर सकते हैं और सब के सब जो कनेक्शन जब बनाते हैं तो वो सारी की सारी चार्जेस मल्टीपल चार्जेस एक साथ डिस्चार्ज की जा सकती है डिसिपेट की जा सकती है तो उसकी अमाउंट को वो इंक्रीज कर देगी ये इंपॉर्टेंट है तो लिखा हुआ है कि इन अदर वर्ड्स लार्जर प्लेट्स स्मॉलर डिस्टेंस मोर कैपेसिटेंस एकदम वाले आप पढ़ लोगे तो एक ही लाइन में कम डिस्टेंस है दोनों के बीच में तो ज्यादा वी इंपोर्टेंट फॉर्मुला है इसको भी जहां नोट कर रहे हो लिख लेना आप लोग भी जहां नोट करोगे आप लोग लिखते चले जाना है ठीक है तो क्या लिखा हुआ है सीज इक्व टू क्यू अपॉन वी इस फॉर्म में हम लोग इसको डिनोट करते हैं ठीक है नेक्स्ट इज देख सकते हो आप यहां पे एरिया ये डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स और इस अकॉर्डिंग भी अगर आपको कैपेसिटेंस को शो करना है तो आप इस फॉर्मुले से शो कर सकते हो कि C इज इक्व टू एफसेलन नॉट डी अपॉन सॉरी एफसेलन नॉट ए अपॉन डी ऐसा शो कर सकते हैं क्या जरा चेक करो तो एक बार क्या ये भी एक तरीका है सी को शो करने का अदर देन क्यू अपॉन वी क्या ऐसा कुछ लिखते हैं क्या तो ये चीज देख के बताना जरा ठीक है कि अगर मैं क्रॉस सेक्शन एरिया इस इस फॉर्मुले से यही मतलब निकल रहा है आ, देखो यहां पे जो एप्सलन नॉट है ना एप्सलन नॉट जो है ये क्या चीज को शो कर रहा है दिस इज एप्सोल्यूट दिस इज एप एक सेकेंड दिस इज एप्सोल्यूट This is क्या किसी को इसकी वैल्यू याद है कितनी होती थी एब्सोल्यूट परमिटिविटी की थोड़ा सा सोच के बताना हाँ, संदीप ने आंसर भी लिखा अपॉन डी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए बिल्कुल राइट right, करेक्ट लिखा हुआ है आपने जीरो एरिया मोहित ने भी लिखा हुआ एरिया अपॉन डिस्टेंस बिल्कुल सही बिल्कुल सही ठीक है मेरे को बताओ एप्सलन नॉट की वैल्यू कितनी होती है तब मजा आएगा एट पॉइंट कितनी होती है जल्दी सोच के बताओ सोच के बताओ आप लोग जल्दी से ठीक है तब तक आगे समझाता हूं मैं तो एप्सलर नॉट हो गया यहां पे अपना एप्सोल्यूट परमिटिविटी ए स्टैंड ऑफ क्रॉस सेक्शन द जिसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ दैट प्लेट जो भी हम लोगों ने यहां प्लेट लगाया हुआ है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है एंड डी अच्छा हाँ ये एरिया जो है वो मीटर स्क्वायर के फॉर्म में डिनोटेड है और डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द पैरल प्लेट इन मीटर्स ये फॉर्मूला यूज होगा किसी क्वेश्चन में जो कि प्रीवियसली एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है जो इस फॉर्मूले से सॉल्व हुआ था जिसमें और एक बार नहीं ऐसा बहुत बार बहुत सारे एग्जाम में फॉर्मुला तो आपके काम आएगा इसलिए नोट कर लेना ठीक है इंपॉर्टेंट है एक्सप्रेस करते हैं एप्स नॉट की वैल्यू बिल्कुल सही राइट right है संदीप का आंसर राइट right साकेत का आंसर में पावर थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा ठीक ठीक है वेरी गुड कैथरीन टेन रेस टू द पावर में पावर की वैल्यू थोड़ा चेक कर लो बस एक बार बाकी आप लोग सही लिख लो एट पॉइंट एट फाइव इज राइट वैल्यू टेन टू द पावर को चेक कर लो एक ने सही लिखा संदीप ने संदीप का आंसर इज करेक्ट एकदम सही पावर रेस टू द पावर माइनस ट्वेल्व दट इज राइट ठीक है गुड है वेरी गुड राइट है करेक्ट है चलो आगे देखते हैं तो यहां तक क्लियर हो गया आपको कैपेसिटेंस आप दो तरीके से शो कर सकते हो एप्सल नॉट एरिया अपॉन डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स कर सकते हो या तो फिर आप चार्जेस पर यूनिट वोल्ट्स इस फॉर्म में भी आप सेंड कर सकते हो शो कर सकते हो आगे बढ़ते हैं जल्दी से तो अब लेक्चर का टाइम ऑलमोस्ट हो गया है तो आप जल्दी से इसको हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं बहुत ज्यादा टाइम मिलूंगा आपको आपका क्विकली इसको जल्दी से समझा देता हूं आपको लिखा हुआ है बाई अपलाइंग अ वोल्टेज टू द कैपेसिटर एंड मेजरिंग द चार्ज ऑन द प्लेट्स द रेशियो ऑफ अ चार्ज क्यू टू द वोल्टेज वी

तो ये बोल सकते हो कि वेन अ चार्ज ऑफ वन कूलम इज स्टोर्ड ऑन अ प्लेट बाई अप्लाइंग अ वोल्टेज ऑफ वन वोल्ट ऐसे आप इसको डिफाइन करोगे कि तब बनेगा एक एक जो है वो फेरेड का कैपेसिटेंस क्लियर है ना ये चीज लिखा हुआ द फैक्टर बाय विच द डायलेक्ट्रिक मटेरियल और इंसुलेटर डिक्री इंक्रीजेस द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर कंपेयर टू एयर इज नोन एज डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट यानी एयर की तुलना में कोई भी अदर मटेरियल कितना ज्यादा इंक्रीज करेगा कैपेसिटेंस को वो डिसाइड करता है इसको आप नोट कर सकते हो इसको हम लोग के से डिनोट करते हैं डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट को ठीक है एंड डाइलेक्ट्रिक मटीरियल विध हाई डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट इज बेटर इंसुलेटर देन डायलेक्ट्रिक मटीरियल विध लो डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट तो अब ये जैसा हम लोग टेम्परेचर कोफिशियंटेपरेचर कॉन्स्टेंट पड़े थे ना याद करो रजिस्टर के केस में बस वैसे ही आपको ये वाला पॉइंट तो इसका क्वेश्चन पूछा हुआ है क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ मटीरियल विथ इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट इज अ बेटर इंसुलेटर जिसका डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट हाई होगा वो अच्छा इंसुलेटर होगा किससे जिसका की डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट लो होगा उससे जिसका डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट लो है वो खराब इंसुलेटर है यानी इट इज अ गुड कंडक्टर ऐसे आप समझ सकते हो ठीक है बढ़िया लिखा हुआ डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी सिंस इट इज रिलेटिव टू फ्री स्पेस ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे और ये देख लेते हैं कंसेप्ट ऑफ कैपेसिटिव रिएक्टेंस कैसा होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस का थोड़ा सा आपका 5 से दस मिनट में और एक्स्ट्रा लूंगा फिर इस लेक्चर को वाइंड अप करेंगे क्योंकि ये जब पढ़ी रहे ना तो एक साथ आप सारी चीजें पढ़ लो मजा आ जाएगा आपको ठीक अब इस चीज को मैं अगर नेक्स्ट उसमें पढ़ाऊंगा तो थोड़ा सा मिस हो जाएगी कुछ चीजें ठीक है तो अभी जब आप कनेक्ट कर चुके हो सारी चीजें आपको जब समझ आ रही है तो एक ये वाला पॉइंट पढ़ लेते हैं कंप्लीट हो जाएगा ये लेक्चर कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो है ये कॉम्प्लेक्स इंपीडेंस ऑफ अ कैपेसिटर कॉम्प्लेक्स क्यों बोलते हैं एक एक रीजन है इसका भी

जब तक कि जो सप्लाई वोल्टेज है उसकी वैल्यू के बराबर चार्ज वो जमा ना कर ले तब तक कब किस केस में ये डीसी के केस में ऐसा करता है जब डायरेक्ट करंट पोटेंशियल हम लोग इस अप्लाई करते हैं तब आगे क्या होता है द सप्लाई वोल्टेज इज रिड्यूस्ड द चार्ज स्टोर्ड इन द कपैसिटर ऑल्सो सप्लाई वोल्टेज जितना दोगे उतना ही चार्ज वो स्टोर करेगा डीसी का केस है तो क्योंकि उसके अंदर कोई पोलैरिटी तो चेंज हो नहीं रही है ठीक है आगे लिखा हुआ है बट इन द केस ऑफ एसी सर्किट इन विच द अप्लाइड वोल्टेज सिग्नल इज कंटिन्यूसली चेंजिंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव पोलैरिटी

चेंज हो जा रही है एसी के केस में, जबकि डीसी में नहीं चेंज हो रही है तो वो जितनी की आप सप्लाई दे रहे हो उतना चार्ज वो जमा कर लेगा एक बार एसी के अंदर का चेंज वो डिपेंड करेगा सप्लाई की फ्रीक्वेंसी के ऊपर ठीक है इसको क्लियर रखना तो सो so, लिखा हुआ है आगे की दैपेसिटीज और चार्जेज करो थ्रू विच थ्रू इट which is restricted by the internal impedance of the capacitor this internal impedance is commonly known as capacitive reactance denoted by xc in ohms denoted by xc in ohms ठीक है फार्मूला इसका लिखा हुआ है xc 1 omega c के फॉर्म में इसको डिनोट करते हैं और जहां ओमेगा की वैल्यू आप पुट कर दो 2 पाई f के फॉर्म में तो ये बन जाएगा 1 upon 2 पाई fc तो यहीं से आपको दिख जाएगा कि अगर फ्रीक्वेंसी की मैग्नीट्यूड बढ़ती है यानी हम चेंज की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देते हैं तो हमारा कैपेसिटिव रिएक्टेंस वाला पार्ट जो है वो कम होने लग जाता है इनवर्स प्रोपोर्शन पे चल रहा है और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कम कर देता हूं तो XC, जो है, देखा पैरल प्लेट का तो इस अकॉर्डिंग आपको ये चीज समझ में आएगा तो एसी के केस में आपको ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस का पार्ट देखने को मिलता है जबकि डीसी के के केस में फ्रीक्वेंसी का क्या हो जाता है और ये बन गया आपका कैपेसिटिव रिएक्टेंस का ग्राफ

और यही चीज होगा जब एलसी एक साथ कंबाइन हो जाएगा और जब एक साथ उसको यूज करेंगे तब इनका रिलेशन देखने लायक होगा ठीक है चलो तो फिलहाल टाइप ऑफ बस देख लो आप लोग नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइटिक वेरिएबल कैपेसिटर ट्रिमर कैपेसिटर इस तरीके के दिखते हैं ये फिजिकल एक्चुअल वर्ल्ड में ये लोग ऐसे दिखाई देते हैं ठीक है कैसा वेरिएबल सिस्टम होता है ये जैसे सिरमिक डिस्क है और इनको कैसे शो करते हैं किस किस तरीके के सिंबल से ये इसका एक बेसिक एग्जाम्पल था ठीक है तो चलिए अब आज का जो लेक्चर है अब मैं इसको यहीं पे अब एंड अप करता हूं काफी सारा टाइम ले लिया मैंने आप लोगों का ठीक है आई होप कि अब आ, क्योंकि कंटेंट थोड़ा ज्यादा था तो इसलिए जरूरी था कि आपका मैं कुछ पांच दस मिनट एक्स्ट्रा ले लो बट मैं ये मान के चल रहा हूं कि जितना जो नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगा अब आप उससे पढ़ोगे तो आपको सारी की सारी चीजें तुरंत समझ में आ जाएंगे ठीक आई होप कि आपको इंडक्टर और कैपेसिटर का ये पूरा बेसिक्स का जो जो आज का वीडियो था ये समझ में आया होगा पसंद भी आएगा और इनसे रिलेटेड सर्किट में इनका एप्लीकेशन कैसा होता है ये भी डिस्कस करूंगा मैं कल की क्लास में जिसमें कि हम इनके सीरीज पैरल ये सब कॉम्बिनेशन और इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे ठीक है तो चलिए स्टूडेंट्स आज का सेशन में यही अप करता हूँ आप लोगों के कमेंट्स के लिए भी बहुत सारा थैंक्स संदीप आकर्ष थैंक यू थैंक यू डियर आप सबका बहुत सारा थैंक्स जो आप जुड़े हुए थे लगातार बिना बोर हुए बिना लेक्चर छोड़े बीच में से आप लोग लगातार लेक्चर सुने देखे उस सब चीज के लिए बहुत सारा थैंक्स कल मिलूंगा आप सभी स्टूडेंट से फिर से कुछ अच्छा चीज पढ़ेंगे हम लोग और परसों फिर डिस्कशन करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बनाएंगे ठीक है तो लेक्चर को आप करते हैं यहीं पर एंड आराम से पढ़ना अच्छे से पढ़ना नोट्स बना के पढ़ो और बढ़िया से आप लोग कंटिन्यूअसली हमारे साथ जुड़े रहो डेली अटेंड करो लेक्चर्स ठीक है मिलते हैं कल स्टूडेंट चलिए आज का लेक्चर अब यहीं पर वाइंड अप करते हैं आप सभी का थैंक्स थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स